हाँ, हमारे मम्मी डैडी। आपके मम्मी डैडी आए? अच्छा, आपका फैमिली है। कैसे महसूस कर रहे हैं? कैसे महसूस कर रहे हैं आपके अब्बा आपकी? बहुत एक्साइटेड, वेट कर रही हूँ। 43 डेज से वेट कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर पड़ी, जो जाने से भी अच्छा कर रहे हैं, आने से भी बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। कर्नाटका हज कमेटी से 10,000 से ज्यादा हुजाज इकराम सफर हज पे गए थे, उनका वापस आने का स्टार्ट हो चुका है। पांचवी फ्लाइट आज सुबह 4 बजे लैंड हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो हुजाज इकराम हज सफर हज पे गए थे उनके रिश्तेदार उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर आकर जमा हुए हैं। और इस तरफ एग्जिट गेट है हज का, हज टर्मिनल का, जहाँ जो खास एक हज टर्मिनल दिया गया है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, कि यहाँ से लैंड फ्लाइट लैंड होने के बाद इमिग्रेशन का प्रोसेस होगा, फिर उनका लगेज उनको दिया जाएगा। फिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जमजम के बॉक्सेस रखे हुए हैं। वापस हुजाज इकराम इसे आएंगे थोड़ी देर में, अब वो वापस यहाँ पर आएंगे। पांचवी फ्लाइट है, इस फ्लाइट में 280 से ज़्यादा पैसेंजर्स आ रहे हैं। आज एक दिन में 1,200 पैसेंजर्स 4 फ्लाइट्स में आने वाले हैं, इस तरह का इन्फॉर्मेशन यहाँ के हज कमेटी के मेंबर्स ने हमको दिया है। और 9 तारीख की जुलाई तक पूरे 10,000 हुजाज इकराम वापस आ जाएंगे। एक अफसोस की बात है ये है कि ओवर हीट होने की वजह से, जो 51 डिग्री टेम्परेचर सऊदी अरब में हमने देखा था, उसकी वजह से बेंगलुरु के 2 हुजाज इकराम जिनकी उम्र भी ज़्यादा थी, वो ताब ना लाने की वजह से उनका इंतकाल हो चुका है। इन्हें लाजून अब हुजाज इकराम यहाँ से थोड़ी देर में आएंगे, हम उनसे बात करेंगे कि उनका सफ़र हज कैसा था। और यहाँ के जो हज कमेटी के जो इंतजाम के जो मेंबर्स हैं, यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, जो रिश्तेदार उनको रिसीव करने के लिए आए, उनसे भी हम बात करेंगे। आप वॉलंटियर हैं यहाँ पर, हाजियों का कैसा चल रहा प्रोसेस यहाँ पर डिसम्बारकेशन का? अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों का तो एज यूजल, हमारी जो हमको काम दिया जाता है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह निभा रही सारे वॉलंटियर्स अल्हम्दुलिल्लाह। ओके हाजी साहब, कैसे सफ़र कैसा रहा आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से बहुत बेहतरीन था। इंतज़ाम सब कैसा रहा? बेहतरीन था अल्हम्दुलिल्लाह। हज कमेटी की तरफ से जो भी इंतज़ाम किया गया तमाम हुजाज इकराम को, बेहतरीन से बेहतरीन था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही था अल्हम्दुलिल्लाह। किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुआ अल्लाह के फजल से। हाजी साहब हर बार क्या? अस्सलामुअलैकुम। सफ़र कैसा रहा आपका हज का? माशाल्लाह अच्छा था। इंतजाम कैसा रहा? इंतजाम तो जो करना था, जो सऊदी गवर्नमेंट जितना किया था, किया था। गर्मी ज्यादा था लेकिन इंतजाम तो सही था। इंतजाम कैसा था? अच्छा लगा। काबे को पहली बार देखो, क्या दुआ करें आप? दुआ करें काबे को देखो कैसा लगा पहली बार आपको काबे वाली मदीने में? मदीने में सब के लिए हमारा सरसरा हुजूर क्या मांगे वो सब मांगे हमने, सब दुआ कर खाए ना, सब अच्छा लगा। अच्छा धूप रहे तो अच्छा लगे, अल्लाह शुक्र पार कर ले गए हुजाज इकराम। आप देख सकते हैं व्हील चेयर में जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, हज मुबारक आपको। कैसा रहा आपका हज का सफर? कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैं खादिमुल हुज्जाज डिस्पैच का जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। इंतजाम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। छोटी मोटी थोड़ी तकलीफ गर्मी की वजह से, नाम ही हज है। जो 5 दिन सहाते हैं उसी का नाम हज है माशाल्लाह। और क्या भी तकलीफ है बिल्डिंग अच्छी के लिए? क्या दुआ किया जी इस मुल्क के मुसलमानों के लिए, लोगों के लिए? अमन और शांति और हमेशा से तंदुरुस्ती रहे और सारे आलम के मुसलमानों को हर एक को भी तेरे घर की दीदार की चांस मिले। हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार उर्फ टिप्पू साहब हमारे साथ हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10,000 से ज़्यादा हुजाज इकराम इस बार सफर हज पे गए थे, कर्नाटक हज कमेटी की जानिब से वापस आने का काम स्टार्ट हो चुका है। कितने हुजाज वापस आ चुके हैं अब तक? 5 फ्लाइट अराइव हो चुके हैं। हर फ्लाइट में 289 लोग हुजाज इकराम आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 फ्लाइट हैं, तो अब तक 1300 हुजाज इकराम आ चुके हैं। ओके, जिस तरह का इंतज़ाम हमने देखा था हज भवन में जाने का, अब जो वापस आने का सिलसिला है, यहाँ पर जो हज का टर्मिनल जो बनाया गया यहाँ पर, यहाँ के इंतजाम कैसे हैं? स्मूथ ट्रांजिशन कैसे एग्जिट इन? यहाँ पे जो BIL स्टाफ है, स्टाफ से लेके इमिग्रेशन से लेके कस्टम्स डिपार्टमेंट
और CISF, ये पूरे अलहमदिल्ला बहुत अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं। और जो कस्टम्स के हैं यूजली वो हुजाज इकराम को ज़्यादा बैग खोलना ये वो सब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मुकद्दस जगह से आए हैं बोल के। कस्टम डिपार्टमेंट वाले भी बहुत अच्छी तरीके से कॉपरेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा ओके सर, कितने तारीख तक हुजाज इकराम करने का सफर जाएगा और कितने दिन तक? नाइन्थ जुलाई तक लास्ट फ्लाइट है। और हमने जो देखा था वो अखबारों में देखा था, मीडिया में देखा कि दो कैजुअलिटीज हुए हैं, फेटेलिटीज हुए हैं बेंगलुरु, तो कहाँ के हैं सर? वो दोनों बेंगलुरु के हैं। नेचुरल डेथ्स हैं उनके? हाँ नेचुरल डेथ्स हैं, बिकॉज ऑफ हीट की वजह, हीट की वजह से। और एज फैक्टर भी था, वो एक लेडी 59 ईयर्स की लेडी है, और एक जो इंतकाल हुए उन्होंने 69 ईयर्स की, और जेन जो इंतकाल है वो दोनों बेंगलुरु के हैं। दोनों बेंगलुरु के हैं। ओके, मेरा आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल, हज कमेटी का गठन नहीं हुआ है, आप भी एस्पिरेंट हैं, कब फॉर्म होने वाली हज कमेटी आपकी? हमारे लीडर्स जनाब जमील अहमद साहब, रहीम खान साहब और जितने भी हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं वो बैठ के डिसाइड करना है, इसलिए तो थोड़ा यूनानिमस होना होने जा रहा है, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। आप चेयरमैन एस्पिरेंट के? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अगर आपको सरकार चुनती है, अगर आपको चेयरमैन बनाती है, तो क्या चेंजेस लेके आएंगे, क्या करेंगे आप? मैं बहुत सारे चेंजेस लाने का इरादा रखता हूँ मैं, जिसके अंदर हमारे जो अक्सर कर्नाटका स्टेट हज कमेटी में इसका इन्वॉल्वमेंट सेंटर में बहुत कम रहता है, और इसकी वजह से जैसे अब हाल में तो थोड़े बिल्डिंग्स में जो मसले आए और कोऑर्डिनेशन में बहुत सारा बड़ा गैप रह चुका है, और बहुत सारे चेंजेस लाने का इरादा रखता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह मौका अता फरमाते ज़रूर काम करके कि इंशाल्लाह भी काम होएगा। जज़ाकअल्लाह सर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर हुज्जाज इकराम यहाँ पर आ रहे हैं। सफर हज कैसा रहा जी साहब आपका? बहुत अच्छा था। इंतजाम कैसा रहा हज के? बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी शिकायत है, कोई शिकायत नहीं, अल्लाह के घर को जाकर आए, कोई शिकायत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम, हम जैसे गंदे नाखास बंदों को वहाँ तक पहुँचाया, उसके घर तक, और वहाँ से वापस भी भेजाया, जितने हुजाज इकराम आ रहे हैं सब कह रहे हैं कि इंतजाम यहाँ पर हज भवन में जिस तरह का था हुजाज इकराम के जाने का, इसी तरह का इंतजाम वापस आने का भी, वहाँ पर भी सहूलियत है। वैसे गर्मी का मसला था, कुछ एक दो चार बिल्डिंग्स का वहाँ पर प्रॉब्लम, अदरवाइज जितना भी इंतजाम था वहाँ पर, जितने हुजाज इकराम जिनसे भी हम पूछ रहे हैं सब खुशी का इजहार कर रहे हैं कि वहाँ पे इंतजाम में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रही। सो आप देख सकते हैं हमारे साथ हाजी यहाँ पर आ रहे हैं पूरे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसा रहा सफर है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। इंतजाम कैसे रहे? सब अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक था, अल्लाह का फजल। खाने पीने से लेकर बिल्डिंगों से लेकर, बस एक गर्मी की एक शिकायत थी आपको? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह का फजल। पहली बार काबे को देखकर क्या दुआ की आपने? काबे को देख के ये दुआ की, अल्लाह ताला हमें मुस्तजाबुद दुआ बना दे इंशाल्लाह, और फिर सारी उम्मत के लिए, और बिलखुसूस जो है हमारे हिंदुस्तान के अमन के लिए हमने दुआ की। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं हुज्जाज इकराम आ रहे हैं पूरे उनका। अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू, सफर कैसा रहा आपका आज का सफर? इंतजाम कैसे रहे? अच्छा था माशाल्लाह। अच्छा आप बताइए हजरत सफर कैसा रहा आपका सफर? माशाल्लाह बहुत अच्छा था, अल्लाह की मेहरबानी सब कुछ अच्छा हुआ। मदीने में जाकर कैसा लगा आपको, क्या दुआ किया? सबके लिए दुआ, हिंदुस्तान के मुसलमानों की सारा सा हालात गुजर रही है, क्या दुआ किया? अमन के लिए दुआ किया। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। तो खुशी का इजहार कर रहे हैं जितने हुज्जाज इकराम आ रहे हैं, कोई शिकायत नहीं कर रहा है वहाँ के इंतजाम को लेकर, सब कह रहे हैं कि यहाँ पर इंतजाम काफी अच्छा ही रहा।